और सारे इसलिए भी इकट्ठे हो रहे हैं कि हमने यहाँ पे क्लासिक क्रेट ओपनिंग करनी है, क्योंकि भाई आप चांस में है और अगर मेरी निकल आती है ना तो भाई मतलब मजा आ जाना है, यकीन जाना। ओए कुछ है वो अल्लाह निकल से मैं निकल आई। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, होप यू ऑल आर डूइंग ऑसम। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे, वो इसलिए क्योंकि अल्लाह पाक ने आपके भाई को बेटे की नेमत से नवाजा है, तो मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा घर में बिजी था जिस वजह से मैं व्लॉग्स नहीं कर सका। मैंने मतलब व्लॉग करना था लेकिन उस दिन मैं मतलब इतना ज़्यादा इमोशनल था, मुझे नहीं पता ऐसे क्यों था मेरे साथ, शायद ऐसे सबके साथ होता ही। और तो जब मुझे उन्होंने फ़ोन किया बताया कि मुबारक को बेटा हुआ है, तो मतलब मेरे साथ मेरे भाई बैठे हुए हैं दोनों और मैं अकेला हूँ बैठा, मैंने फ़ोन सुन के बंद कर दिया और मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा था, लेकिन मैंने उन्हें नहीं बताया, मैं खुद आएंगे ना तो बता देंगे। इसलिए गाइस मैं व्लॉग्स भी नहीं कर सका और जो लास्ट फ्राइडे को मैंने व्लॉग किया था बारबी वाला वो मैंने मतलब एडिट नहीं किया था, और आज मतलब मैंने एडिट करके भाई ने आपके अपलोड कर दिया है, तो जाओ यार वो देखो पहले फिर आ जाना इधर। और बस अभी मेरे दोस्त आ रहे हैं ममदोट से, उन्होंने मतलब मुबारक देने के लिए आ रहे हैं और व्लॉगर भी आ रहा है, व्लॉगर तो मतलब आ गया है रोस्टर की शॉप पे है, तो बस उसे बुलाता हूँ कि आप भी आ जाओ, तो वो भी आ रहे हैं। अब व्लॉगर इसलिए आ रहा है क्योंकि कल से ना मतलब हम जो गेम खेलते हैं पबजी उसमें क्लासिक रेड है। अब क्लासिक रेड वैसे इतना खास नहीं है, वो खास इसलिए है क्योंकि उसके अंदर एक गन है ग्लेशियर, ठीक है वो अपग्रेड हो सकती है, तो बस आपके भाई की नहीं निकली, आज तक नहीं निकली हुई, और मैं कब से इतने मतलब मैंने क्रेट्स मतलब जोड़े हुए हैं जिस तरह व्लॉगर ने किए थे, लेकिन उसकी नहीं निकली दूसरी दफ़ा, पहली दफ़ा तो भाई की निकली हुई है। और सारे इसलिए भी इकट्ठे हो रहे हैं कि हमने यहाँ पे क्लासिक क्रेट ओपनिंग करनी है, क्योंकि भाई आप चांस में है और अगर मेरी निकल आती है ना तो भाई मतलब मज़ा आ जाना है, यकीन जाना मज़ा आ जाना है। अब ये जो बंदा खेलता है गेम जिसको पता है ना वो इस फीलिंग को समझ सकता है। ज़ुबैर ने कहा मैं आऊँगा तब ओपनिंग करेंगे, क्योंकि ज़ुबैर ने को मतलब YouTube पे वीडियो देखी है क्या कि वो VPN लगाना है, इस तरह करना है, उस तरह करना है, करेक्टर चेंज करना है। मैंने कहा यार आप आ जाओ, आप यहाँ पे बैठेंगे और फिर कर लेंगे, तो बस अभी वो लोग पहुँचने वाले हैं। व्लॉगर को फ़ोन करता हूँ कि आ जाओ। गाइस व्लॉगर भाई आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या और तबीयत भी ख़राब है? हाँ, और व्लॉगर भाई आज इसलिए आए हैं कि ये अच्छा ठीक है, उसे देख सो एक क्रेट मारा था मैंने जी, बिल्कुल पांच छह ग्लेशियर लगातार निकाले। अच्छा एक दो कम करके भी मुझे पता चला कि आज बुरहान क्रेट मारे, मारे नहीं लगे इन्होंने, पंप मारे थे मोर 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 नहीं मैं नहीं चाहता कि मतलब मेरे क्रेड खराब, अपनी अच्छी होनी चाहिए, मतलब नहीं होंगे, मतलब अभी भाई बहुत सारे आ रहे हैं, सबसे दस दस लगवाएंगे, इसकी पक्की है आज सबसे दस दस। अच्छा इसकी अगर मेरा इसके हाथों निकल आई ना मेरी ये यार मैंने अपने लगाए थे तो उधर तो आए नहीं है, इधर कैसे आ गए? निकल सकती है क्योंकि मेरी एक दफा निकली हो सकती है, हाथों से वेरी निकली है नहीं हाथों से उसे मुझे लगता है ना के आ पाए थे। गाइस ये चीज जिस वजह से मैं लेके आया हूँ ना थोड़ी देर में बताता हूँ ये क्यों आई है। गाइस सारे भाई आ गए हैं और जब से आए हैं ना ये घोड़ी को देख के परेशान हुए। आप क्या कह रहे थे? नहीं मोहसिन भाई आप क्या कह रहे थे? ये क्यों है? अपने अपने आइडिया लगा रहे हैं ये सीलिंग करने के लिए। अच्छा सीलिंग, आप क्या कह रहे थे? हाँ जी शिराज भाई, हाँ अली अली छोटा मां कुछ भी नहीं, कैमरा ऑन होने की देर में सारे चुप कर गए। अच्छा मैं अभी आप सबको ये बता दूं कि बल्कि इधर करके बता दूं ये इसलिए बनाई है ज़ुबैर भाई, मैंने कहा आपने तो घोड़ी चढ़ना नहीं है तो मैं इधर ही चढ़ाते, इसी घोड़ी में आपके चढ़ा देते हैं। क्यों अली भाई ठीक है? इन्होंने तो वैसे घोड़ी मैं छोटा सा था तब से सुन और उधर मैंने जब ट्विटर ऑन किया तो मुझे पता चला SRK ऑनलाइन था और भाई ने देखा, मैंने कहा जाओ यार तुम अपना काम करो,
मैं भाई को मतलब मैंने नोट पैड में लिखी होते हैं मैसेजेस, मैं जल्दी से जी कॉपी पेस्ट वहाँ पे करने लगे हूँ, करे फिर वो सारा हो गया, कह रहे यार फिर हम रोज रोज थोड़ी आते हैं। मैं कहा चलो यार खैर है जुबैर भाई थोड़ी मान ली यार, मैं फिर बंद किते तो अभी क्रेड ओपनिंग होगी। वैसे इस दौरान मतलब मैं भूल गया था इनको चाय पानी का भी सारा सीन, काफी देर भाई बैठे रहे 15-20 मिनट के बाद याद आओ हाँ चाय भी लेके आनी थी। उसके बाद ये है क्यों और अभी सारे मतलब कब से फ्री हो चुके हैं, लेकिन हमारा भाई व्लॉगर मतलब बस इसे खाने को चाहिए, मतलब जो कुछ भी हो ना ये मतलब काम इसने कोई नहीं करवाना होता, कुछ करना नहीं होता, ये कहता है मुझे खाने का काम दे दो भाई। बस ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मतलब कहीं भी कोई हो ना मुकाबला हो या कुछ खाने पीने वाला तो इसको ले जाना, टेंशन नहीं लेनी फिर। मैं क्या है खा खा के मतलब वो कहेंगे भाई तो जितने ऐसी हारे ले जाओ, मतलब एक शर्त हारने की नुकसान और ऊपर से ये जो खा रहा है वो दूसरा नुकसान। तो गाइस अभी बुरहान क्रेट ओपनिंग करने जा रहा है और इस बंदे ने जुबैर ने बोला कि यार VPN लगाओ ठीक है सिंगापुर वाला ये कोई सिलेक्ट करो के लिए ना, मैंने वो सारा का वो जब एक क्रेट जो ओपन किया तो सूट निकला, मजे की बात है पहले क्रेट पे सूट निकला है, निकला कि नहीं निकला। चलो भाई अच्छा जी अभी हमने जुबैर भाई पहले बाबा ना लगाना एक आधे से ट्राई कर लेना ठीक है। यार बुरहान बात सुनना जी भाई जान, एक काम करो जुबैर को उठाओ ना मेरी मुझे बैठा होता है देखना फिर छोटा वाहन यार एक बात है ना नहीं देखना मेरी भी एक रेट मारे थे याद होते यार नहीं ना ऐसा ज्यादा हो गया ज्यादा साल ही करी वैसे 10 मिनट खेल रहा 10 मिनट खेल। तो गाइस अभी ना ये जो बंदा नहीं बैठा शहराज इसकी लॉटरी लगने वाली है, लॉटरी लगने वाली है लॉटरी ये बुरा ने अपने तो मार लिए ठीक है ना ना किसी को भी ना निकले मैं आप बने सारे या 10 मार 10 मार 10 मार 10 मार 10 मार रुक रुक कुछ वो लनिका समय निकल आई ओए 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 ओए
गाइस मेरी तो निकली नहीं है ग्लेशियर, लेकिन भाई के ऊपर से एक्सप्रेशन चेक करने वाले हैं। यकीन आ रहे वैसे? मुझे यकीन नहीं आ रहा भाई। वैसे लाल लाल है, लाल है, लाल है भाई, मुझे लाल है। अच्छा हम तो कह रहा था तेरे हाथ भी इंज ही है ना, और मजा आए क्या भाई जान? मजा आया? निकलनी होती ना तुम्हारे स्टासी ग्रेड वाले ना। नहीं नहीं निकल आती। नहीं मैं खलीस की खुशी देखना चाहता था, अब मैं कल अपनी निकलवा लूं। गाइस हम बातों में इतना मगन हुए हैं कि दो ढाई घंटे हमें गुजर गए हमारे, और कितने दो गाय गाय को दो ढाई घंटे नहीं तीन साढ़े तीन घंटे हो गए। और अभी मैंने कहा यार रहने दो, खाना खाते हैं आराम से, तो आप लोग फिर चले जाना। अभी मैंने इन्हें सरप्राइज दिया ये कैमरा यूं करके, मैंने कहा यार मैं नहीं ले गया, अंदर ही रुक गया भाई। बैठे बैठे लग गया जी चैलेंज M416 के चेहरे मन मी टू हमजा भाई कर रहे हैं शराज और जुबैर के साथ, पता चलता है क्या होता है। मुझे लग रहा है हमजा जीत जाएगा, लेकिन फिर भी टफ टाइम देने वाले हैं वो लड़के, मजा आएगा। इनो ग्लेशियर वालों का मुकाबला हुआ है और वे लॉगर भाई जीत गए हैं। ओ नूबड़ू जुबैर एक और बंदा है भाई। अब M24 बनता है। M24 आगे मुकाबला चाहिए। कार 98 चलो जी, कार 98 का मुकाबला लग गया। मैं नहीं कह रहा, मैं लाइक करा रहा हूँ। सीन ये है कि टाइम हो चुका है बहुत ज़्यादा, लगभग 12 होने वाले हैं कि 11:30 हो गए हैं, और ये भी जा रहे थे सारे, मतलब हमारा व्लॉगर पहले ही भाग गया और ये निकल रहे हैं, और मैंने अचानक ये बैठने लगे बाइक में, मैंने कहा ओहो यार व्लॉग तो ये नहीं है, तो मेरे लिए भाई खड़े हो गए। तो इन सब का बहुत शुक्रिया जी, आप लोग आए, और छोटू तो है नहीं, मैं मुबारक आपको दे दूंगा उसकी। ठीक है यार, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया जी, कीमती टाइम दिया दोबारा मेरे लिए, वैसे आपके लिए पहले मिलना हो गया था। ठीक है जी, अल्लाह ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। गाइस सब चले गए, और मुझे ज़रा भी आइडिया नहीं था कि हम इतनी ज़्यादा देर बैठने वाले हैं आज, लेकिन यकीन जानो बहुत नेक्स्ट लेवल हमने आज इन्जॉय किया है। इतनी गपशप की है कि हमें पता ही नहीं चला, मतलब चार पाँच घंटे हमारे ऐसे ही गुजर गए हैं, और अभी भी दिल कर रहा था कि चलो यार बैठ रहे हो, मैं उनको कह रहा था आज इधर ही रुक जाओ, गपशप करेंगे, सही इन्जॉय करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आज चले जाते हैं फिर कभी सी। मैं कहा कोई मसला नहीं है यार, आ जाना अपने ही कार। और व्लॉगर कह रहा था यार मैं जाने दो, घर से निकलवाओगे क्या कर रहे हो यार। मैं कहा चलो ठीक है, व्लॉगर निकला, फिर उन्होंने कहा यार अब हम भी निकलते हैं, क्योंकि उन्होंने दूर थोड़ा जाना था तो इसलिए। और शराज भाई की जीने के लिए ग्लेशियर, मतलब वो कह रहा था भाई मैं आपकी निकलवाने आया था, उसने 150 प्लस क्रेट्स लगाए और उसकी कोई ख़ास चीज़ नहीं निकली, और वो कह रहा था कि मैंने कहा भाई यार आ जाता हूँ बुरान भाई के पास, उनकी निकल आएगी तो एंजॉय करेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी अपनी ग्लेशियर निकली है मेरे हाथों। मैंने मतलब एक दो ऐसे ट्राई के लिए मतलब एक दो स्पिन किए, लेकिन नहीं, और जैसे ही मैंने 10 क्रेट लगाए निकल आई भाई, क्या फीलिंग थी वो तो आप देख रहे थे मतलब। और वो भाई उस भाई की ना मतलब अजीब ही हो गया था, वो मतलब इमोशनल हो रहा था, आंसर आ रहा था, पता नहीं उसके अंदर क्या चल रहा था, बड़ा खुश था। बहर भाई ने उस लड़के को इतना ज़्यादा तंग किया हुआ था कि मेरी ग्लेशियर निकल आई है तेरी नहीं निकली, वो लड़का इतना मतलब परेशान था, वो कहता था यार मुझे आईडी खरीद के दे दो, लेकिन अब मेरे पास ग्लेशियर होनी चाहिए। लेकिन उसे क्या पता था कि आशिक क्या था उसकी ग्लेशियर निकलनी है भाई, और वो खाना भी मान के आया था मैं सबको खिलाऊंगा जब मेरी निकलेगी, और आज ही निकल आई है। और वो कह रहे थे कल या परसों इंशाल्लाह खाना मतलब खिलाऊंगा, तो बस शेख तैयार हो रहा है भाई, मैं दो दिन भूखा रहूंगा। आई होप गाइस आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो यार अच्छी बात है ना, आपको अच्छा लगा है, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।